theory, if you remember, different colors are due to different sizes of corpuscles. तो यहाँ पे corpuscle है ही नहीं, तो size का सवाल ही नहीं होता. So what is the next question? Next point, different colors are due to different wavelength. Students, remember here, different what? Wavelength. ये MCQs के लिए आ सकता है. Different what? Wavelengths. Wavelengths you know ना? आपको wavelengths पता होगी. As we know, last time उन्होंने किया था. This is one wavelength. This is another wavelength. Okay? ये कुछ अलग-अलग wavelengths हो सकते हैं. Different colors के लिए. Okay? The fourth point is what? Which was wrong, but fourth point is a postulate by the Huygens. What he said? उसको हम लोगों ने बोला गांव वालों ने. If it is wave ना? If it is wave, will you say sound हमेशा air में ही pass होता है? अगर air निकाला तो sound नहीं जाएगा. तो गांव वालों ने क्या पूछा Huygens से? If it is wave, तो sun से जब light आती है पृथ्वी पर, तो उसके बीच में तो बहुत सारा vacuum है. अगर vacuum है, तो light कैसे pass होती है? तो उसने एक बताया, the material medium, because उस वक्त हम लोग space में नहीं गए थे. जब Huygens ने principle सामने डाला, तो we don't enter into the space. आगे पृथ्वी के बाहर क्या है पता नहीं. तो उसने क्या कहा? The material medium, he said कि there is a material medium that is called luminiferous ether. Luminiferous ether. उसने किसने कहा? Huygens ने कि पृथ्वी के बाहर और सूरज और पृथ्वी के बीच में एक मीडियम है, that is called luminiferous ether, and light वहां से आती है और तब जाके पृथ्वी पे गिरती है. तो these are what? Four theory or four postulates of Huygens, wave theory of light. Okay? Hope so you understood. Now merits and demerits. तो जितने भी drawback थे Newton corpuscular theory के, वो उसने cover किया. किसने? Huygens ने. First drawback, पता है क्या था? Reflection एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन न्यूटन्स ने नहीं एक्सप्लेन किया था, साइमल्टेनियसली अलग अलग एक्सप्लेन किया, बट ही एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली, याद रखना. ओके, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ. सेकेंड, न्यूटन्स ने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं किया था. इसने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, मतलब दो लाइट जब टकराते हैं, when they intersect two light waves, then what will be the result? So interference and diffraction he explained. Who? Huygens. Okay? And the third point which was very important. Newton's ne pata hai kya bola tha? Newton's ne bola tha light ka velocity jyada hai denser mein aur kam hai rarer mein. So isne ulta banaya. Velocity of light in rarer. Isne barabar bola hai. Rarer is greater than velocity of light in denser. So jo bhi drawback the इसके इसके न्यूटन्स के, तो मेरिस बन के Huygens में आ गए. बट डीमेरिस भी है, सम डीमेरिस आर आल्सो देयर फॉर Huygens प्रिंसिपल. तो व्हाट आर द डीमेरिस? ही कुड नॉट एक्सप्लेन. अभी गांव वालों ने क्या बोला? ये जो वेव है, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. अगर वेव टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो लाइट सीधी कैसे आती है? लाइट टेढ़ी मेढ़ी क्यों नहीं आती? So he could not explain rectilinear propagation. This is called rectilinear. Rectilinear मतलब straight. Straight propagation कैसे होता है? वो explain नहीं कर पाया. कौन? Who? Huygens. Huygens ने कहा कि rectilinear propagation मैं explain नहीं कर सकता. देखो light तो ऐसे ऐसे आ रही है, तो straight कैसे आ रही है? तो वो explain नहीं करा. आगे जाके हमें कुछ concept सीखना है. That is called polarization. आप लैब में भी सीखोगे पोलराइजेशन. एंड वन मोर कंसेप्ट इज देयर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी क्या होता है जब मैं सिखाऊंगा तो पता चल जाएगा. अभी सिर्फ याद रखना, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. उसने एक्सप्लेन नहीं किया. ओके, नहीं किया उसने एक्सप्लेन. और थर्ड ड्रॉबैक वॉज, बिकॉज अभी हम लोग स्पेस में जा रहे हम, मतलब बहुत सालों से 1960 से हम लोग स्पेस में जाना चालू कर दिया, तब हमें पता चला ये जो ल्यूमिनिफेरस इथर है ना, वो है ही नहीं. तो मीडियम ल्यूमिनिफेरस इथर जो उसने एक्सप्लेन किया था, विच वॉज हाइपोथेटिकल मीडियम. हाइपोथेटिकल मीडियम मतलब व्हाट? सम इमेजिनरी मीडियम विच वॉज डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट.
ओके, तो दीज आर व्हाट थ्री डीमेरिट्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल. होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द थियरी.